हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल झाजी फंडे। यार मैंने थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी बाय सब्सक्राइबिंग, बाय लाइकिंग, बाय कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस। एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू अ वीडियो ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन। इससे पहले ही मैंने स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप चेक करना मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके। वहाँ पे आपको मेरे चैनल की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग द स्टैगर्ड वीडियो। तो इस वीडियो में भी मैं स्टैगर्ड को एक्सप्लेन करूंगा, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू स्टैगर्ड टाइप वन एंड टाइप टू विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स। सो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, तभी सीख पाओगे इसको, क्योंकि इसमें थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, थोड़ी ईजी भी हैं। तो यू हैव टू डिप्लॉय सम टाइम इन दिस वीडियो एंड यू विल गेन अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ थिंग फ्रॉम दिस वीडियो। सो गाइज, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर कर देना। तो चलो स्टार्ट कर दें विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम ऑन दिस। स्टैगर टाइप वन, वेन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज अ इंटरसेप्ट, मतलब जब पहली ऑब्जर्वेशन आपकी जो होगी वो इंटरसेप्ट होगी, तब देन वी आर यूजिंग स्टैगर टाइप वन। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है आई टी पी, दूसरा होता है डी आर रन। आई टी पी मीन्स इंटरसेप्ट टर्मिनल पोजिशन। नाउ देयर आर सर्टेन कंडीशन टू यूज आई टी पी रन एंड डी आर रन इन क्वेश्चन, मतलब जो भी स्टैगर के क्वेश्चन आएंगे उससे हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा रन यूज करना है। आइदर वी हैव टू रन आई टी पी रन और डी आर रन। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं? इफ क्वेश्चन सेज ट्रांसफर फर्स्ट पी एल यूजिंग आई टी पी, अप्लाई रन टू आई टी पी ऑफ फर्स्ट साइट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में साफ साफ मैंशन है कि यू हैव टू ट्रांसफर योर फर्स्ट पी एल यूजिंग आई टी पी, देन यू हैव टू अप्लाई द आई टी पी रन। अगर क्वेश्चन में सेकेंड है, इफ क्वेश्चन सेज ट्रांसफर फर्स्ट पी एल यूजिंग डी आर, देन अप्लाई रन टू डी आर ऑफ फर्स्ट साइट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये मैंशन है कि अपने फर्स्ट पी एल को डी आर पे ट्रांसफर करो, मतलब यूजिंग डी आर ट्रांसफर करो, देन यू हैव टू यूज द डी आर रन ऑफ द फर्स्ट साइट। ओके, एंड इफ क्वेश्चन डज नॉट से विच मेथड टू यूज अप्लाई आई टी पी रन, क्वेश्चन में नहीं मैंशन है कि कोई भी मेथड यूज करना है, देन यू हैव टू यूज द आई टी पी रन। सो दिस इज द थ्री कंडीशन टू डिटरमिन टू गेस द क्वेश्चन कि ये सॉल्व किससे होने वाला है, आई टी पी रन से सॉल्व होने वाला है या डी आर रन से सॉल्व होने वाला है। लेट अस चेक विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। नाउ हियर इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट कंडीशन इन द क्वेश्चन इट इज गिवन डैट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई यूजिंग आई टी पी रन। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन। इन डी आर पोजिशन 30 degree 15 minutes नॉर्थ, 026 degree 40 minutes वेस्ट, एन ऑब्जर्वेशन ऑफ सन गेव बेरिंग 110 degree ट्रू, इंटरसेप्ट 5.6.5 minutes टूवर्ड्स द शिप, देन स्टीम्ड 245 degree ट्रू फॉर 20 miles, वेन अ लैड बाय मरीडियन ऑल्टीट्यूड ऑफ सन वॉज फाउंड टू बी 30 degree नॉर्थ। फाइंड शिप्स पोजिशन एट द टाइम ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पोजिशन फॉर सेकेंड पी एल वर ऑब्टेन्ड बाई अप्लाइंग रन टू आई टी पी ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब आप लास्ट वाली लाइन पढ़ रहे हो, इस लास्ट वाली लाइन में आपको साफ साफ मैंशन है कि देन यू हैव टू यूज द आई टी पी रन। ठीक है, सो यू हैव टू सॉल्व दिस स्टैगर्ड क्वेश्चन, स्टैगर्ड टाइप वन क्वेश्चन विद आई टी पी रन। नाउ अगेन आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम स्टेप्स। सो इन स्टेप वन यू हैव टू राइट द पी एल, फर्स्ट पी एल 020 degree 200 degree। वो कैसे? क्योंकि मेरे पहला ऑब्जर्वेशन, मेरा जो पहला एजिमथ था वो कितना था? 110 degree। तो इफ़ यू डू प्लस माइनस 90 degree, देन यू विल ऑब्टेन द पी एल 020 degree 200 degree हैविंग इंटरसेप्ट ऑफ 6.5 miles टूवर्ड्स पासिंग थ्रू पोजिशन। अब मेरी पहली ऑब्जर्वेशन में कोई भी लैटिट्यूड या कोई भी लॉन्गिट्यूड मुझे नहीं मिल रहा है, देन आई विल यूज़ अ डी आर पोजिशन 30 degree 15 minutes नॉर्थ। दैट इज गिवन हियर इन द क्वेश्चन, यू कैन सी हियर डी आर पोजिशन। सो 30 degree 15 minutes नॉर्थ एंड 026 degree 40 minutes वेस्ट। नाउ इन स्टेप टू यू हैव टू राइट द सेम क्वाड्रेंट कोर्स डिस्टेंस डिलेट एंड डिपार्चर। एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला हियर, डिलेट इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू कॉस ऑफ कोर्स, डिपार्चर इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू साइन ऑफ कोर्स। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिलेट एंड डिपार्चर। नाउ मैं इस क्वेश्चन को आई टी पी रन से सॉल्व कर रहा हूँ, तो आई विल मैंशन आई टी पी हियर। ओके, आई टी पी एंड माई क्वाड्रेंट कोर्स इज साउथ 70 degree east। वो कैसे? क्योंकि मेरा बेरिंग कितना था क्वेश्चन में? 110 degree ट्रू, एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन। देन इफ यू कन्वर्ट 110 degree ट्रू इन क्वाड्रेंट फॉर्म, देन यू विल ऑब्टेन साउथ 70 degree east। आई एम श्योर कि तुम्हें आता होगा ये क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करना, सो आई एम नॉट टेलिंग यू हियर हाउ टू कन्वर्ट अ कोर्स इन टू द क्वाड्रेंट फॉर्म। ओके, एंड डिस्टेंस डेट इज योर इंटरसेप्ट 6.5 miles हियर, एंड इफ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला डिलेट एंड डिपार्चर फॉर्मूला, देन यू विल ऑब्टेन डिलेट एंड डिपार्चर हेयर।
ओके, देन आफ्टर यू हैव टू राइट शिप. नाउ हियर द कोर्स ऑफ द शिप कम्स. नाउ माई शिप इज डूइंग 245 degree. माई शिप इज डूइंग इन द क्वेश्चन 245 degree ट्रू. नाउ इफ आई कन्वर्ट 245 degree इन द क्वाड्रेंट फॉर्म आई विल ऑब्टेन साउथ 65 degree वेस्ट एंड माई शिप इज स्टीमिंग फॉर 20 miles. सो आई लाइक 20 miles हियर एंड इफ यू यूज द फॉर्मूला गिवन अबव देन यू विल ऑब्टेन द डीलेट एंड डिपार्चर दैट इज 8.5 miles साउथ एंड 18.1 minutes वेस्ट. Now delet have the same value south south, then you have to add the value, you will obtain 10.7 minutes south here, and here opposite name you have to subtract the value, that here you will obtain 12 minutes west. In the third step you have to write your first position, that is your DR position, 30 degree 15 minutes north, 026 degree 40 minutes west. It is given in the question and you will obtain in the second step delet and departure. So I will apply run here. My delet is 10.7 minutes south, which I obtained in step 2. So I put the value here, 10.7 minutes south. Opposite name always minus, then 4.3 minutes aa jayega yahan pe, aur north aayega because the value is bigger than this one, that's why north. Okay, then you have to calculate the mean lat. Same name, you have to add the value, divided by 2, you will obtain the value of mean lat. Here I obtained 30 degree 9.7 minutes north. Okay, then I will obtain in the formula dip long is equal to departure upon cost of mean lat. I obtain departure in the step 2, that is 12 minutes divided by cost of mean lat. Mean lat is 30 degree 9.7 minutes here, and I will evaluate this using the formula and I will obtain the value d long. So I will obtain 13.9 minutes west. Okay, use this value here in the place of d long. Opposite name always add, and if you add this one you will obtain the longitude of the transfer, first transfer position, 026 degree 53.9 minutes west. So this is your first transfer position which you obtain in step 3. In step 4 you have to write first PL 200 degree passing through position. Now you have to write your first transfer position here, that is 30 degree 4.3 minutes north, 026 degree 53.9 minutes west. You obtained this latitude and longitude in step 3, as I told you before, and this is your reference position. So first position is always a reference position. Now second PL east west kyun, kyunki meri second observation marpass ki hai, to marpass mein hame PL milti hai east west. Passing through position 30 degree north. अब 30 डिग्री नॉर्थ क्यों आया, क्योंकि मुझे सेकंड ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व लैटिट्यूड मिल चुका है, दैट्स व्हाई आई पुट माय लैटिट्यूड हियर, बट लॉन्गिट्यूड नहीं गिवन है. तो आई विल यूज द सेम लैटिट्यूड विच आई ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3. सो 026 डिग्री 53.9 मिनट्स वेस्ट. नाउ इफ यू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू यू विल गेट डी लेट 4.3 मिनट्स साउथ, बिकॉज यू आर गोइंग फ्रॉम हायर नॉर्थ टू लोअर नॉर्थ, दैट्स व्हाई साउथ, एंड हियर द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड आर सेम, दैट्स व्हाई डी लॉन्ग इज इक्वल टू 0. इफ डी लॉन्ग इज 0 एंड डिपार्चर इज 0, because of the formula d long is equal to departure upon cost of mean lat. So here no need to calculate the mean lat if d long is 0 and departure is also 0. Now my step 5 is plotting. So first of all you have to choose your scale for the plotting. I choose my scale 1 cm is equal to 1 nautical mile. Now with the help of the sliding ruler I draw a line which is my reference longitude, and then with the help of this compass I align my 0 and 180 degree with the reference longitude like this. 0 and 180 degree align, and then I mark my 90 and 270 here. If you mark 90 and 270 then join the line, join the two coordinates, and you will obtain the reference latitude. First you have to draw the reference longitude, then you have to draw the reference latitude with the help of the compass, with the help of this compass, and after that you have to draw your first azimuth with the help of the compass. So your first azimuth is 110 degree, as I told you before in the question. So again you have to align your 0 and 180 degree with the diagram like this, and then you have to mark 110 here, and with the help of this ruler draw your first azimuth as I draw here. So this is your first azimuth. Okay, then after you have to draw your first PL. PL is always perpendicular to the azimuth, so 020 degree and 200 degree. So with the help of this again compass, align your 0 and 180 degree like this, mark 20 and 200 here,
एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रूलर जॉइन द लाइन यू विल ऑब्टेन योर फर्स्ट पीएल एंड आफ्टर दैट नाउ यू हैव टू प्लॉट योर कोऑर्डिनेट्स विच यू ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 4. सो माई कोऑर्डिनेट्स इज डेलाइट इज 4.3 मिनट साउथ एंड डिपार्चर इज 0. सो अगेन इन द सदर्न डायरेक्शन लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ दिस रूलर मार्क 4.3 ऑन दिस ग्रेजुएशन स्केल 4.3 हियर एंड देन डिपार्चर इज 0. सो दिस इज माई पॉइंट ए. नाउ फ्रॉम हियर आई हैव टू ड्रॉ माई सेकेंड एजिमथ. माई सेकेंड एजिमथ इज 000 डिग्री. सो लाइक अगेन 000 इज इन द सेम डायरेक्शन अबव. सो दिस इज माई 000. दिस इज माई 00 डिग्री एंड इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर दैट इज पी एल. सो माई पी एल इज ईस्ट वेस्ट. देन वट यू हैव टू डू पुट योर स्केल लाइक दिस एंड देन स्लाइड टू द पॉइंट ए एंड देन ड्रॉ दिस. सो इन दिस वे यू विल ऑब्टेन योर सेकेंड पी एल. इन दिस वे यू विल ऑब्टेन योर सेकेंड पी एल. नाउ माई सेकेंड पी एल एंड माई फर्स्ट पी एल इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एज यू कैन सी इन द डायग्राम. सो दिस पॉइंट बी इज माई फिक्स ऑफ द शिप एट अ टाइम ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन. सो दिस इज द फिक्स ऑफ माई शिप. नाउ वट यू हैव टू डू विद द हेल्प ऑफ दिस रूलर अलाइन योर रूलर लाइक दिस विद द रेफरेंस लॉन्गिट्यूड लाइन एंड देन स्लाइड इट ओवर टू बी एंड ड्रॉ अ डॉटेड लाइन फ्रॉम हियर अप टू सी. Draw a dotted line up to C. After that, measure this value with the help of the ruler like this and like this. So this is my daylight that is 4.3 minutes south and measure this. This is my departure that is 1.6 minutes west. So in step number 6 you have to write your reference position 30 degree 4.3 minutes north and 026 degree 53.9 minutes west. Then apply a run. From the plotting I get daylight 4.3 minutes south. So I will put it here and I will obtain fix 30 degree north because opposite name always minus and the value of this value is bigger, so that's why north here. Then you have to calculate your mainlet. Same name add divided by 2 you will obtain mainlet. Then you have to put this value, mainlet value here, departure upon cause of mainlet to obtain D long. So I will obtain here 1.8 minutes west. I will put this value here 1.8 minutes west. So same name, always add. So 53.9 minutes plus 1.8 minutes is equal to 55.7 minutes. So this is my fix. So my fix of the ship is 30 degree north and 026 degree 55.7 minutes west, which is here. Now suppose if the question is same and the line here, this line is not present in the question, means in the question it is not given either to solve by ITP run or DR run. तो मैंने आपको बताया था condition 3 में if question में अगर कुछ भी given नहीं होता कि ITP run से solve करना है या DR run से solve करना है, then you will use the ITP run. So अगर ये line ना भी हो, यहाँ से यहाँ तक ये line ना भी हो question में, तब भी आप ITP run से solve करोगे इसको, ठीक है. Now अभी एक और question देख लेते हैं. लेकिन दिस क्वेश्चन इज ऑफ डी आर रन. ओके इन डी आर 20 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ 179 डिग्री 50 मिनट्स ईस्ट एंड इंटरसेप्ट ऑफ 5 माइल्स अवे फ्रॉम एजिमथ 000 डिग्री ट्रू वाज ऑब्टेन्ड. वेसल देन स्टीयर्ड 180 डिग्री ट्रू इनटू 20 माइल्स एंड 090 डिग्री ट्रू इनटू 40 माइल्स. एट द एंड ऑफ दिस टाइम अ सेकंड ऑब्जर्वेशन अ सेकंड पोजीशन गेव इंटरसेप्ट 2 माइल्स अवे फ्रॉम एजिमथ 045 डिग्री ट्रू. पोजीशन यूज्ड फॉर कैलकुलेशन वाज इनिशियल डी आर पोजीशन. Find the position of the vessel. Now you can check in the question. This line is present here from position to DR position. So यहाँ पर DR position mention हुआ है. ITP run mention नहीं हुआ इस line में. Position used for calculation was initial DR position. So ये simple ये बताता है कि ये question जो है वो मेरा DR run से solve होने वाला है. DR run से ये question solve होने वाला है. Okay. Now in the step 1 you have to write first PL 090 degree 270 degree east west because my azimuth is 000, that's my PL is east west. Passing through position 20 degree 30 minutes north 179 degree 50 minutes east. Kyun? Meri ye same DR position aa jayegi because in my first observation there is no obtained latitude or obtained longitude, that's why my DR position is used here. Having intercept of 5 miles away question given hai.
नाउ इन द सेकेंड स्टेप यू हैव टू राइट द सेम क्वाड्रेंट कोर्स डिस्टेंस डिले डिपार्चर. पहले वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे ITP लिखा हुआ था, लेकिन इसमें ITP यूज़ नहीं करना है. इसमें सिर्फ जो शिप जो है जितना स्टेयर्ड हुआ है, जितना डिस्टेंस स्टेयर्ड हुआ है, जितने कोर्स किए हैं उनको ही मैंशन करना है. मैंने यहाँ पे लिखा है साउथ, बिकॉज माई फर्स्ट स्टेयरिंग कोर्स वॉज 180 degree ट्रू. माई फर्स्ट स्टेयरिंग कोर्स वॉज 180 degree ट्रू इंटू 20 miles, डैट्स वाई साउथ 20 miles. सो इफ़ यू अप्लाई द फॉर्मूला डिपार्चर इज इक्वल टू साइन ऑफ कोर्स इंटू डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, देन यू विल ऑब्टेन द वैल्यू डिलेट एंड डिपार्चर हियर. एंड सेकेंड कोर्स इज 090 degree ट्रू, डेट्स वाई ईस्ट 40 miles किया है, देन यू विल ऑब्टेन डिलेट एंड डिपार्चर. सो बाई यूजिंग द फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है, इस वीडियो में देख लेना, ठीक है. डिलेट अब यहाँ पे क्या है, 0 प्लस ये टू 20 miles साउथ, डिपार्चर कितना हो जाएगा 40 miles ईस्ट. दोनों को प्लस करोगे तो 40 miles ईस्ट. नाउ इन द स्टेप 3 सेम फर्स्ट पोजीशन लिखनी है आपको, 20 degree 30 minutes नॉर्थ, 179 degree 50 minutes ईस्ट. उसके बाद आपको रन अप्लाई करना है. सबसे पहले मैंने डिलेट लिख दिया जो मुझे सेकंड स्टेप में मिला था, देन 20 minutes साउथ, तो अपोजिट नेम ऑलवेज माइनस 20 degree 10 minutes नॉर्थ. एंड by using the latitude here and latitude here you will obtain mean net same name plus divided by 2, then you will obtain 20 degree 20 minutes north. Put the value in the formula d long is equal to departure minus cos of mean net. So departure की value कितनी आई थी मेरी, 40 minutes आई थी step 2 में, और cos of mean net, mean net की value मुझे यहाँ से मिल गई. अगर दोनों को डिवाइड करोगे then you will obtain the value 42.7 minutes east. This is the value of d long. So you will put this value here 42.7 minutes east, same name. Always add. If you add this value, you will obtain 180 degree, 32 minutes, 32.7 minutes east. So this is your first transfer position. In step 4, you have to write first PL east west by having intercept of 5 miles away. अब मैंने यहाँ पे intercept mention किया है क्योंकि मैंने intercept की value step 2 में use नहीं की थी, जैसे मैंने पहले वाले question में की हुई है. तो मैंने यहाँ पे intercept mention किया है 5 miles away passing through first transfer position आ जाएगी, जो मैंने अभी step 3 में निकाली हुई है. उसके बाद सेकंड पीएल 135 degree 315 degree, बिकॉज मेरा सेकंड एजिमल 045 degree था, तो प्लस माइनस 90 करोगे तो आपको मिलेगी 135 degree 315 degree. हैविंग इंटरसेप्ट ऑफ 2 miles अवे पासिंग थ्रू पोजीशन 20 degree 10 minutes नॉर्थ एंड 180 degree 32.7 minutes ईस्ट. वो ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी सेकंड ऑब्जर्वेशन में इंटरसेप्ट है और इसमें मुझे कोई भी ऑब्जर्व लैटिट्यूड या ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड नहीं मिल रहा है, डेट्स वाई आई विल यूज़ द सेम पोजीशन विच आई ऑब्टेन इन स्टेप नंबर 3. सो मैंने सेम पोजीशन ऑब्टेन किया जिससे मेरा डिलेट हो गया 0, डिपार्चर भी हो गया 0, क्योंकि डी लॉन्ग यहाँ पे हो गया 0, डेट्स वाई डिलेट एंड डिपार्चर माई कोऑर्डिनेट्स आर 0 नाउ. नाउ माई स्टेप 5 इज प्लॉटिंग. अगेन यू हैव टू राइट योर स्केल हियर. स्केल मैंने लिया है 1 centimeter इज इक्वल टू 1 nautical mile. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस रूलर draw a line like this, which is your reference longitude, and with the help of this compass align your 0 and 90 degree, 180 degree like this, align your 0 and 180 degree like this, 0 and 180 degree, mark 90 and 270 here, and with the help of this ruler join the points and you will obtain a line like this, and this is your reference latitude. And from now you have to draw your first azimuth. My first azimuth is 000 degree. So 00 degree is itself in the same direction. That is my first azimuth. Okay. And my first PL is 5 miles away from my first azimuth. अब एक याद चीज़ याद रख लो कि यहाँ से यहाँ तक मेरी पहली azimuth थी इस direction में, तो 5 miles away इस उल्टी direction में होगा, अपोजिट direction में होगा. तो if you calculate 5 miles with the help of this ruler, with the help of this ruler, 5 miles, I calculate my 5 miles here, mark here A point, and then put my scale here and then transfer using like this. So this is your first PL by joining this line. This is your first PL, okay, which is 5 miles away from my first azimuth, like this. After that you have to draw your coordinates which you obtain in step number 4. तो step number 4 में मुझे डिलेट भी 0 मिला था, departure भी 0 मिला था. मतलब डिलेट और departure जब 0 होंगे तो हमारा कहाँ पे होगा point? Origin पे ही होगा. तो from origin you have to draw your second azimuth. My second azimuth is 045 degree. So I will draw my 045 degree by aligning my compass 0 and 180 degree and mark 45 degree here like this. And with the help of this ruler I will join my line like this. So this is my second azimuth. अब मेरा second azimuth ये बोल रहा है 2 miles away.
सो आई विल पुट माई स्केल हेयर लाइक दिस एंड देन एक्सटेंड दिस लाइन एंड देन मार्क 2 miles हेयर 1, 2. ओके फ्रॉम द स्केल यू हैव टू मार्क 2 miles हेयर एंड देन फ्रॉम हेयर वट यू हैव टू डू पुट योर स्केल लाइक दिस ट्रांसफर एंड ड्रॉ अ लाइन ऐसे उसके बाद अपने स्केल को ऐसे रखना है और यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है ऐसे ठीक है ये मैंने ऐसे क्यों किया बिकॉज आई हैव टू प्लॉट माई पी एल यूजिंग दिस कंपस सो आई हैव टू अलाइन माई 180 एंड 0 degree लाइक दिस 0 and 180 degree लाइक दिस एंड देन आई हैव टू मार्क माई पी एल सो माई पी एल इज 315 degree 315 degree यहाँ पे हो गया और दूसरा 135 degree 135 degree मेरा यहाँ पे हो गया 315 135 ठीक है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रूलर आई जॉइंड द लाइन लाइक दिस सो इफ आई जॉइन द लाइन आई विल ऑब्टेन माई सेकेंड पी एल विच इज 2 miles अवे फ्रॉम माई सेकेंड एजिमथ ओके तो आप देखोगे कि मेरा फर्स्ट एजिमथ और सेकेंड एजिमथ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जो कि पॉइंट सी है एंड दिस पॉइंट सी इज द फिक्स ऑफ माई शिप अब क्या करना है आपको अगेन यू हैव टू डू द सेम प्रोसेस पुट योर स्केल लाइक दिस ट्रांसफर हेयर एंड ड्रॉ अ डॉटेड लाइन सो दिस डॉटेड लाइन इज द डी लेट दैट इज 5 miles साउथ और भाई इसे कैलकुलेट कर लो विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल So that is 3 miles east. So my departure is 3 miles east and daylight is 5 miles south. अब सिक्स स्टेप में क्या करना है आपको अगेन अपनी रेफरेंस पोजीशन लिखनी है मैंने अपनी रेफरेंस पोजीशन लिख दी 20 degree 10 minutes north and 180 degree 32.7 minutes east. Then apply run जो आपको प्लॉटिंग से मिला है सो प्लॉटिंग से मुझे daylight मिला 5 minutes south. I will apply here. Opposite name always minus. So 20 degree 5 minutes और north इसलिए क्योंकि ये value बड़ी है उसके बाद same name at divided by 2 you will obtain mean lat put the value of mean lat here you will obtain a day long I will obtain 3.2 minutes east put this value here 3.2 minutes east and then same name add there 180 degree 35.9 minutes east so this is my longitude so the fix of the ship be 20 degree 5 minutes north and 180 degree 35.9 minutes east jo ki mujhe yahan pe mila तो ये था मेरा स्टैगर्ड टाइप 1 नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टैगर्ड टाइप 2 स्टैगर्ड टाइप 2 क्या होता है व्हेन द टाइम इंटरवल बिटवीन टू ऑब्जर्वेशंस इज लेस देन 30 मिनट्स अगर 30 मिनट से कम टाइम के बीच में दो ऑब्जर्वेशंस लिए जा रहे हैं तो उनके बीच में जो भी क्वेश्चन स्पेसिस पे होंगे उनको हम बोलेंगे स्टैगर्ड टाइप 2 सेम डी आर इज यूज टू कैलकुलेट बोथ द साइड्स ठीक है ये लाइन इंपॉर्टेंट है दोनों इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए क्योंकि जल्दी समझ में आता नहीं है लेकिन एक बार समझ में आता है तो बहुत मजा आता है करने में ठीक है तो प्लीज़ इसे देखना और समझना कोशिश करना समझने की ठीक है आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड यू एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इन अ मच बेटर वे ठीक है तो आप देखते रहो समझते रहो एक एक पॉइंट को देखना मिस मत करना बिल्कुल भी ओके सो हेयर आई टेक अ क्वेश्चन ऑफ स्टैगर टाइप 2 अ वेसल यूजिंग डी आर 30 degree नॉर्थ 30 minutes east obtained following observation at 1853 star vegas gave intercept 5 miles towards 160 degree true okay at 1912 star deneb gave intercept 3 miles away azimuth 240 degree true vessel was steering 293 degree true into 12 knots find vessel position at the rate 1900 hours theek hai bhai ab ye dekho kya hai कि आपको पहली ऑब्जर्वेशन आपने ली 1853 पे और दूसरी ली 1912 पे जब दोनों के बीच का टाइम इंटरवल निकालोगे तो इट इज़ 17 मिनट्स और 17 मिनट्स इज लेस देन 30 मिनट्स तो ये स्टैगर टाइप 2 हो गया पहली बात और ये सेम जो डी आर पोजिशन है ना 30 degree नॉर्थ एंड 30 degree ईस्ट मैं इसको ही यूज़ करूँगा अपनी पोजिशन निकालने के लिए एट द रेट 1900 hours नाउ हाउ यू विल यूज़ इट चेक इट आउट सो भाइयों इसमें साफ साफ बात है कि जो डी आर पोजिशन होती है वही तुम्हारी रेफरेंस पोजिशन है स्टैगर टाइप 2 में जो डी आर पोजिशन होती है इट इज़ इट सेल्फ अ रेफरेंस पोजिशन ओके नाउ इन स्टेप 1 अब इसमें हम दो चीज़ें करते हैं अब देखो 1900 पे निकालना है तो 1900 जो है वो टाइम इंटरवल है 1853 और 1912 के बीच का ठीक है तो अब हम करेंगे फॉरवर्ड रन और बैक रन लगाएंगे अब आप एक चीज़ सोचो 1853 से अगर आप 1900 पर जा रहे हो मतलब टाइम आगे बढ़ रहा है देन यू विल अप्लाई फॉरवर्ड रन और अगर 1800 से 1853 से
1900 पे जा रहे हो तो टाइम आगे बढ़ रहा है, लेकिन 1912 से 1900 पे जा रहे हो तो टाइम पीछे बढ़ रहा है। तो मतलब 1853 से 1900 पे जब हम जाएंगे तब हम लगाएंगे फॉरवर्ड रन, और 1912 से 1900 पर हम जाएंगे तब हम लगाएंगे बैक रन। हाउ यू विल अंडरस्टैंड इट नाउ, चेक इट आउट। फॉरवर्ड रन टू ट्रांसफर फर्स्ट पीएल। अब मेरी पहली अजीमत थी 160 डिग्री ट्रू, तो मेरा पहला पीएल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 90 डिग्री। सो माय प्लस माइनस 90 डिग्री 070 डिग्री एंड 25 डिग्री फ्रॉम 1853 टू 1900। मतलब टाइम आगे बढ़ रहा है, मीन्स यू आर गोइंग फर्दर, प्रोसीडिंग फर्दर अहेड। सो 7 मिनट का टाइम इंटरवल है एंड यू आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 12 नॉट्स। आप 12 नॉट की स्पीड से चल रहे हो और टाइम है 7 मिनट, तो 12 नॉट की स्पीड से 7 मिनट में कितना माइल्स कवर करोगे, 1.4 माइल्स। यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, मेरा आ रहा है 1.4 माइल्स। ठीक है, अब हम लगाना है बैक रन। बैक रन टू ट्रांसफर सेकंड पीएल। अब मेरी सेकंड पीएल थी 240, मेरा सेकंड एजिमथ था 240 डिग्री ट्रू, प्लस माइनस 90 डिग्री। आई विल ऑब्टेन माई सेकंड पीएल 150 डिग्री 330 डिग्री फ्रॉम 1912 टू 1900 आवर्स। मतलब अब आप आगे से पीछे आ रहे हो तब हम लगाएंगे बैक रन। अब टाइम इंटरवल कितना है, 12 मिनट का, और सेम आप 12 नॉट की स्पीड से चल रहे हो तो 12 मिनट में कितना कवर करोगे, 2.4 माइल्स। अगेन यू हैव टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर। नाउ स्टेप टू इज सीधे सीधे प्लॉटिंग है। प्लॉटिंग में ही थोड़ा खेल है बस समझने के लिए। ठीक है, तो बस को ध्यान से देख लेना, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी होता है करने में और बहुत मज़ा आएगा फिर करने के लिए। सेम प्रोसीजर, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 माइल, लेना ही लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस रूलर ड्रॉ अ लाइन that is dr long, and with the help of this compass align your 0 and 180 degree. ठीक है, 0 180 align करो, 9270 mark करो, हटाओ, join करो। जब आप join करोगे आपको मिल जाएगा dr lat। ठीक है, then you have to draw your first azimuth. First azimuth draw करने के लिए आपने then you have to draw your course, ship's course. Ship's course draw करने के लिए आपका ship course था 293 degree, तो अपने 0 180 align करो और अपना कोर्स मार्क कर दो 293 डिग्री। 293 मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। देन विद द हेल्प ऑफ दिस रूलर जॉइन द लाइन। ठीक है, लाइन में जॉइन कर दो कि 293 मिल जाएगा, और इस लाइन को थोड़ा पीछे भी एक्सटेंड कर दो। इस लाइन को थोड़ा पीछे भी एक्सटेंड कर दिया मैंने, ये जो लाइन है इसको मैंने थोड़ा पीछे भी एक्सटेंड कर दिया, जो कि मेरी कोर्स लाइन थी इसको मैंने पीछे भी एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद आपने देखा, आप इस पोजीशन को मान लो 1853 की पोजीशन, मतलब 1853 पे आप यहाँ पे थे। ठीक है, 1853 पे यहाँ पे थे, तो वन अब 1900 पे आप आगे ही हो गए। ठीक है, मीन्स यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो 1.4 माइल्स मुझे मार्क करना है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल आई मार्क माय 1.4 हियर, जो मुझे स्टेप वन में मिला था, तो मैंने 1.4 यहाँ पे मार्क कर दिया, जो कि मेरा ए पॉइंट है। ए पॉइंट मुझे ड्रॉ करना है अपना पहला अजीमथ। पहला अजीमथ ड्रॉ करने के लिए अगेन यू हैव टू यूज दिस स्केल, यू हैव टू यूज़ दिस कंपस। तो मेरा पहला एजिमथ था 160 डिग्री, सो अलाइन योर 0 180 लाइक दिस, 160 डिग्री यहाँ पर मार्क करो, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रूलर जॉइन द लाइन एंड यू विल ऑब्टेन योर फर्स्ट एजिमथ। ठीक है, पहला एजिमथ मिल गया। अब आपको ड्रॉ करना है अपना फर्स्ट पीएल। फर्स्ट पीएल क्या है, 5 माइल्स टूवर्ड्स। तो अगेन सेम एजिमथ पे 5 सेंटीमीटर कैलकुलेट करो, यहाँ पॉइंट बी पे मार्क करो, एंड देन अगेन अलाइन योर कंपस 0 180 डिग्री लाइक दिस, एंड देन मार्क योर फर्स्ट पीएल। माई फर्स्ट पीएल 70 डिग्री, तो 70 डिग्री मैंने यहाँ मार्क किया, और दूसरा 250 डिग्री, एंड 250 डिग्री मैंने यहाँ पर मार्क किया। ठीक है, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल जॉइन द लाइन एंड यू विल ऑब्टेन योर फर्स्ट पीएल। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, सेम इस ओ पोजीशन पे अपने आपको मान लो कि हम 1900 आवर्स पे यहाँ पे थे। पहले हमने 1853 में कैलकुलेट किया था, अब मैंने मान लिया कि मैं सेम पोजीशन पे 1912 आवर्स पे था, तो 1900 में पीछे ही होगा कहीं पे। ठीक है, क्योंकि पीछे से आगे आ रहा हूँ ना, टाइम तो बढ़ रहा है ना, तो 1912 पे अगर यहाँ पे थे तो 1900 पे पीछे होंगे, क्योंकि हमें 1900 पे पोजीशन निकालनी है, तो मुझे 1900 को लेके चलना पड़ेगा। तो 1900 में पीछे कितना था, 2.4 माइल, जो कि मैंने स्टेप वन में कैलकुलेट किया हुआ है। तो विद द हेल्प, तभी मैंने पीछे एक्सटेंड किया था इस लाइन को, अपनी कोर्स लाइन को, तो मैंने 2.4 माइल्स कैलकुलेट किया यहाँ पे स्केल से, एंड मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, जो कि मुझे मिला पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट सी पे क्या करना है आपको, अब ड्रॉ करना है अपना सेकंड अजीमथ। सेकंड अजीमथ कितना था मेरा सेकंड अजीमथ था 240 डिग्री, अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस
कंपास अलाइन योर 0 180 डिग्री लाइक दिस, ठीक है, एंड 240 हाँ मैंने मार्क कर दिया। जब 240 मार्क कर दोगे देन विद द हेल्प ऑफ दिस रूलर ज्वाइन द लाइन, लाइन को ज्वाइन कर दो, आपको मिल जाएगा अपना सेकेंड अजीमथ। इसको थोड़ा पीछे भी एक्सटेंड कर दो, ठीक है। नाउ सेकेंड, अब मुझे सेकेंड अजीमथ ड्रॉ करना, सेकेंड पीएल ड्रॉ करना है। सेकेंड पीएल इज 3 miles अवे। अब यहाँ से यहाँ तक तो मेरा सेकेंड अजीमथ था, अब अवे की बात हो रही है तो पीछे हो जाएगा, तो इसलिए मैंने पीछे ड्रॉ किया। नाउ कैलकुलेट 3 miles ऑन द स्केल, मार्क पॉइंट डी हियर, एंड नाउ यू हैव टू ड्रॉ योर सेकेंड पीएल। सो अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस कंपास माय सेकेंड पीएल वाज 150 degree 330 degree जो मैंने बताया हुआ स्टेप वन में। सो अगेन यू हैव टू अलाइन योर स्केल 0 180 degree लाइक दिस, देन 150 degree मार्क यहाँ पे कर लो, ये मेरा 150 ये हो जाएगा और 330 मेरा आगे हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा पीएल हो गया, ये मैंने डॉटेड लाइन बड़े बड़े से बोर्ड से दिखा रखे हैं आपको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। जब आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो अब आपको मिल जाएगी सेकंड पीएल। अब आप देखो कि सेकंड पीएल और आपकी फर्स्ट पीएल दोनों एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि मेरा पॉइंट ई है और ई इज़ द फिक्स ऑफ माई शिप। अब आपको क्या करना है कि सेम स्केल रखना है, ट्रांसफर करना है एंड मेक अ डॉटेड लाइन, यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो एंड सेम स्केल रखना है और नीचे लेके आना है, सेम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी डी लाइट और यहाँ से मिल जाएगा आपको डिपार्चर। सो माई डी लाइट इज 2.1 minutes ईस्ट, सॉरी साउथ, एंड डिपार्चर इज 6.5 minutes ईस्ट। तो यहाँ से आपको डी लाइट एंड डिपार्चर मिल गया और यही मुझे चाहिए था। डायग्राम देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा स्टेप फॉलो करोगे तो। नाउ इन द स्टेप 3 यू हैव टू राइट योर डी आर पोजिशन 30 degree नॉर्थ एंड 0 degree ईस्ट, ठीक है। अप्लाई योर रन, माई रन डी लाइट इज 2.1 minutes साउथ, जो कि मुझे प्लॉटिंग से मिला। अपोजिट नेम यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, देन यू विल ऑब्टेन द फिक्स लैटिट्यूड 290 degree 57.9 minutes नाउथ। अब सेम नेम है, मेन लेट निकाल दो, ऐड कर दो डिवाइडेड बाई 2, यू विल ऑब्टेन मेन लेट हियर, पुट द वैल्यू हियर मेन लेट इन द फॉर्मूला डी लॉन्ग इज इक्वल टू डिपार्चर अपॉन कॉस्ट ऑफ मेन लेट एंड यू विल ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डी लॉन्ग 7.5 minutes ईस्ट। अब इस डी लॉन्ग वैल्यू को यहाँ पुट करो, सेम नेम ऐड, देन 3030 degree 07.5 minutes ईस्ट। तो यहाँ से आपको मिल गई आपकी फिक्स ऑफ द शिप। तो ये है हमारा स्टैगर टाइप 2 के प्रॉब्लम्स, जिसमें हम बैकग्राउंड और फॉरवर्ड रन की बातें करते हैं, ठीक है। आपको दोनों टाइम इंटरवल पे जो भी आपको ऑब्जर्वेशन में टाइम इंटरवल टाइम गिवन है उसको आपको सपोज करना है कि आप सेंटर ओ पे ही हो प्लॉटिंग के टाइम पे, उसके बाद आपको बैकग्राउंड और फॉरवर्ड रन लगाना है जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये स्टैगर टाइप 2 के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। आई होप आपने इसको सीखा होगा कुछ अच्छे तरीके से। आप एक बार एक दो बार देखोगे इस वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।